नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल का विरजत को अमिश में। और आप देख पा रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। आज की न्यूज़ BSc AG को प्रमोट करने के संबंध में है। छात्रों की बहुत अधिक मांग है कि BSc AG प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष को प्रमोट किया जाए। 17 को होने जा रहा है बड़ा विरोध प्रदर्शन। जी हाँ, 17 को विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इन छात्रों को प्रमोट नहीं किया है, जबकि उत्तर प्रदेश की अन्य कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है कि जिसने अपने BSc के छात्रों के एग्ज़ाम कराए हों, प्रथम वर्ष के एग्ज़ाम कराए हों। इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है क्योंकि कोविड 19 के चलते सभी यूनिवर्सिटी ने अपने सभी विद्यार्थी को प्रमोट किया था और BSc थर्ड ईयर के एग्ज़ाम कराए थे, स्नातक तृतीय वर्ष के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई थी, जबकि BSc तृतीय वर्ष मैथमेटिक्स का पेपर ना होने पर भी इस यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों को प्रमोट किया था। लेकिन पता नहीं इनकी नज़र में BSc AG के छात्र, MA प्रथम वर्ष, MSc प्रथम वर्ष और BEd प्रथम वर्ष के छात्रों ने पता नहीं क्या अपराध किया है इस यूनिवर्सिटी के की नज़रों में कि उसके साथ ऐसा अन्याय कर रही है। हालांकि छात्रों को परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं थी, छात्र पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन जब कोर्ट का आदेश आया और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन आई, UGC की गाइडलाइन आई, तब जो है छात्र निश्चिंत हो गए थे कि हमको परीक्षा नहीं देनी है और वो अपने अगले कक्षा के लिए तैयारी करने लगे थे। अब मैं आपको दिखा दूं कि एक न्यूज़पेपर ने, अयोध्या के न्यूज़पेपर ने प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया है। आप देख पा रहे हैं, छात्रों को प्रमोट नहीं तो वो व्यापक आंदोलन, उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ। आप देख सकते हैं कि किसान जय जवान जय किसान, उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ के बार बार निवेदन करने पर भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के तानाशाही रवैये से विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी छात्रों को प्रमोट न करके उन ऊपर से परीक्षा के लिए दबाव डालना बेहद निंदनीय है। और अगर जो छात्र कह रहे हैं, ये संघ कह रहा है कि अगर जो ये नहीं प्रमोट करेंगे तो व्यापक आंदोलन करेंगे, ये अपनी मांग के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए व्यापक आंदोलन करेंगे और करना भी चाहिए। ये हमारे नैतिक मूल्यों का, समानता के अधिकार का उल्लंघन भी हो रहा है। एक ओर जहां सभी यूनिवर्सिटियों ने अपने छात्रों को प्रमोट कर दिया है, उसी ओर ये यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी करने पर तुली हुई। आप पूरा का पूरा न्यूज़पेपर की मैं कटिंग लेके आया हूँ, पूरी की पूरी आप देख सकते हैं कि क्या कहा गया है इसमें। प्रदेश अध्यक्ष भास्कर दुबे ने आक्रोश जताते हुए कहा कि एक तरफ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गाइडलाइन जारी करता है कि केवल अंतिम वर्ष वाले छात्रों का ही परीक्षा लिया जाएगा और बाकी को प्रमोट किया जाएगा नहीं, वहीं दूसरी तरफ राम मनोहर लोहिया के छात्रों को परीक्षा का नोटिस जारी कर दिया है। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ ने जो आवेदन किया था, जो ज्ञापन सौंपा था, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया था, जो अपनी मांगें रखी गई थी, उसमें क्या कहा गया था। आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हैं कि ये कब कहा गया था, कब छात्रों ने अपनी बात को रखी थी, ये पत्र कब दिया गया था। 12/10/2020 और 4 दिन हो गए हैं, 12/4/16, आज 16 अक्टूबर हो गया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी इसका प्रत्युत्तर नहीं आया है, कोई भी प्रत्युत्तर नहीं आया है। इस कारण छात्र कल अपनी मांग को स्वीकार कराने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए एक बड़ा आंदोलन करने की सोच रहे हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे आप जाइए, आप सभी वहाँ पे जाइए जी। आप BSc AG प्रथम वर्ष के हों, या फिर MA में हों, या फिर MSc में हों, या फिर BEd प्रथम वर्ष में हों, लेकिन कुछ बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि वहाँ पे कोई भी तोड़फोड़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है कि जिससे कि आपका ही नुकसान हो, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी सेवा में जाने के लिए, किसी नौकरी में जाने के लिए, आप पे कोई भी कानूनी कार्रवाई हो, ऐसा कोई भी उपद्रव छात्रों से निवेदन की नहीं करेंगे। और जैसा कि कोविड 19 का प्रकोप लगातार
चल भी रहा है। आप सभी को मास्क लगा के जाना है, सैनिटाइज़र साथ में लेके जाना है, और वहाँ पे सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। बहुत सारे छात्र जाएंगे। देखिए विषय में लिखा है विश्वविद्यालय आंदोलन आयोग व उत्तर प्रदेश के प्रोन्नति आदेशों व विश्वविद्यालयों द्वारा उल्लंघन कर मध्य सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा कराने के संबंध में। जी हाँ, यहाँ पे आप पूरा का पूरा जो ज्ञापन है वह पूरा देख सकते हैं कि केवल 20% ही हुआ है, 20% ही सिलेबस हुआ है। बताइए, पता नहीं छात्रों का क्या अपराध है कि अभी छात्रों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। कब एग्ज़ाम होगा, कब कापियाँ चेक होंगी, और कापियाँ चेक होने के बाद कब रिजल्ट आएगा? अगला साल जनवरी 2021 में से उनका नया सत्र स्टार्ट होगा। उससे जहाँ 2 साल का कोर्स होता है वहाँ 3 साल का हो जाएगा, जहाँ 4 वर्ष का होता है वहाँ 4.5-5 वर्ष का हो जाएगा। ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। वहीं पे बीएससी के साथ ही बीएड प्रथम वर्ष के छात्र भी कल 17 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। तो सब लोग साथ में जाइए, अलग अलग जाने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि आपका जो छात्र बल है वह देखने को मिले। एकता में बहुत बड़ी शक्ति होगी। आप लगे रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, आपको ज़रूर ही अवश्य सफल आप होंगे अपनी मुहिम में। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, छात्र संघ के जो नेता लोग हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपको आप इस काम में अपनी मुहिम में सफल हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सकें और आपकी बात को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें। यूनिवर्सिटी ने जो आपके साथ अन्याय किया है उसको भी ज़्यादा लोग देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।